नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर, और आज का वीडियो हमारा बहुत खास है क्योंकि हम आज बात करेंगे एक ऐसे बिंदु पर जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री या ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ही खास महत्व है। हाँ साथियों, जब भी बात ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की आती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग की आती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले नाम जो है गाय का उभर के आता है। हाँ साथियों, चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में गाय का दूध हो, गाय का घी, गौमूत्र हो, चाहे गाय की छाछ हो, चाहे गाय का गोबर हो, हर बात में कहीं ना कहीं जो है गाय का नाम आता है। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में। हम आपको दिखाएंगे गाय की कौन कौन सी नस्लें भारत में पाई जाती हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले गिर गाय की। गाय की ये नस्ल जो है सबसे ज़्यादा गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। इसकी बॉडी देख के आप समझ सकते हैं कि गिर नस्ल है। बॉडी सुडौल रहती है, दूध ज़्यादा देती है और इसके सींग जो हैं ज़्यादा लंबे नहीं होते, सीधे बॉडी की साइड में झुके रहते हैं। साथियों, अब बात करते हैं साहीवाल की। साहीवाल नस्ल की जो गायें हैं वो भारत में ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती हैं। इनकी एक खासियत है कि सर पे सींग नहीं होते हैं। दूसरा, इनकी जो आगे का सिरा रहता है बॉडी का वो पतला रहता है और बैक साइड थोड़ा सा चौड़ा रहता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, साहीवाल नस्ल की गाय है। साथियों, अब बात करते हैं थारपारकर की। थारपारकर जो है राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसको राजस्थान में मालानी नस्ल के रूप में भी जो है जाना जाता है। इसकी कदकाठी जो है बड़ी रहती है, हाइट ज़्यादा रहती है और इसके सींग जो है बहुत बड़े बड़े रहते हैं। साथियों, अब बात करते हैं राठी गाय की। राठी गाय मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है और इस गाय का जो वज़न है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3 से 3.5 क्विंटल होता है। और इसकी जो सींग हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे रहते हैं और ये ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की गाय होती है। साथियों, अब बात करते हैं अमृत महल की। अमृत महल भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसकी कद काठी जो है उसमें देखें तो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा रहती है। सींग मीडियम साइज़ के होते हैं और कलर जो है इसका नॉर्मली सफ़ेद कलर का रहता है। साथियों, अब बात करते हैं डांगी गाय की। डांगी गाय महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नस्ल है। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है पाली जाती है। ये साथियों, इसका कलर जो है आप देख सकते हैं, चितकबरे कलर की रहती है। साथियों, अगली नस्ल है मेवाती। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश का मेवात क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कद काठी इसका भारी भरकम रहता है, बहुत ज़्यादा वजन रहता है और ये दूध देने में भी अच्छी है और साथ में इसके जो सींग है वो मीडियम साइज़ के होते हैं, कलर इसका सफ़ेद होता है। साथियों, अब बात करते हैं मालवी नस्ल की। मालवी नस्ल मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत का जो मालाऊ पठार का जो एरिया है उसमें पाई जाती है। इसकी खासियत यह है कि ये दूध 2-3 लीटर ही देती है पर डे का, लेकिन इसका दूध की जो क्वालिटी है वो बहुत सबसे उत्तम माना जाता है, बहुत महंगा दूध बिकता है। साथियों, अब बात करते हैं लाल सिंधी की। लाल सिंधी जो है लगभग पूरे भारत में पाली जाती है। स्पेशली जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा इसको पालते हैं क्योंकि इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से इसकी उद्गम है, फिलहाल भारत में सभी जगह पाली जाती है। साथियों, अब बात करते हैं हरियाणा नस्ल की। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली गाय की नस्ल है। ये पूरी हरियाणा प्रदेश में पाई जाती है। साथ में इसकी जो दूध की उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। साथियों, अब बात करते हैं पंगानूर किस्म की। ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये गाय की बोनी नस्ल है। हाँ साथियों, बोनी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी हाइट और कदकाठी बहुत ही छोटी रहती है। तो साथियों, हमने बताया आपको भारत में पाई जाने वाली मुख्य नस्लें गाय की। साथियों, आज के वीडियो में यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।